हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल विद हिमांशु। तो गाइज, आज ये है नेपाल की मेरी अगली सुबह और अभी मैं जा रहा हूँ बुद्धा स्तूपा, बौद्धनाथ स्तूपा। तो उसके लिए पहले मैं एक पठाव सर्च करता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर पठाव को बुला लिया है मैंने और यहाँ बाइक टैक्सी को पठाव बोलते हैं और इसको आप पठाव ऐप के द्वारा भी बुला सकते हैं ऑनलाइन। तो ये इधर नेपाल पुलिस है। तो गाइस, ये है मेन गेट स्तूपा का और सामने आपको स्तूपा नज़र आ रहा होगा जो बहुत ही शानदार बना हुआ है। तो एंट्रेंस पे यहाँ पर एक टिकट काउंटर है और 100 रुपये का टिकट है इसका और यहीं पर ये टिकट चेक हो जाता है। थैंक यू। तो गाइस, ये है स्तूपा, बहुत ही सुंदर बना हुआ है और ये लोग इसकी ऑर्बिट परिक्रमा कर रहे हैं और यहीं पर दुकानें भी बनी हुई हैं। तो ऐसे राउंड में इसकी पूरी परिक्रमा होती है और राउंड में ये पूरा मार्केट बना हुआ है। तो इसके अंदर ये ऐसे घुमाने वाला होता है, तो ये शांति के लिए होता है, इसको घुमाते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं उनका ये रिलीजियस प्लेस है। तो यहाँ पर एक ये मंदिर बना हुआ है और मंदिर के बगल से है एंट्रेंस गेट, यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर जाने का रास्ता। तो अभी स्तूपा के अंदर आ गए हम और यहाँ पर देखिए गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल, यहाँ पर फूलों को ऐसे रखा गया है। तो यहाँ पर ये फ्लैग्स लगे हुए हैं, ये 5 कलर्ड फ्लैग्स होते हैं। तो गाइस, बहुत ही सुंदर ये स्तूपा बना हुआ है और ये बुद्धा आईज हैं, ये आपको देखती रहती हैं। तो लोग यहाँ पर शांति के लिए आते हैं और इस स्तूपा के अंदर गौतम बुद्ध का प्रेजेंस बताते हैं। गाइस, ये है यहाँ का मार्केट
और ये एंशियंट टाइम की याद दिलाता है। तो गाइस ये जगह कहलाती है इंदिरा चौक और ये काफ़ी बिजी प्लेस है। यहाँ पर कुछ ये मंदिर वगैरह बने हुए हैं और अभी थोड़ी देर में इधर ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स होने वाले हैं, तो ये जगह अपने ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स के लिए जानी जाती है। तो गाइस मैं अभी एक और लोकेशन पे आ गया हूँ जिसका नाम है गार्डन ऑफ ड्रीम्स। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ भी एक टिकट काउंटर है। तो गाइस 400 नेपाली का इसका टिकट है। तो राइट साइड में यहाँ पर एक फाउंटेन बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। तो गाइस यहाँ पर लिखा है द रेनोवेशन ऑफ गार्डन ऑफ ड्रीम्स हैज़ बीन फाइनेंस्ड बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, द प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय इको हिमालय। बहुत सुंदर एक गार्डन बना हुआ है। तो यहाँ राइट साइड में एक छोटा सा तालाब बना हुआ है। यहाँ पर कैसल गैलरी लिखा है, कैसल गैलरी। तो यहाँ पर गार्डन ऑफ ड्रीम्स के हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, 1920 में जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो ये उस समय की कुछ फोटोज हैं।
तो गाइज ये था नेपाल के तीसरे दिन का एक वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो और एक और नई लोकेशन में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।